जिंदा तो नहीं बचेंगे लेकिन देख 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 आज देखो मैं बहुत स्पेशल गेम प्ले लेके आया हूँ जिसमें टोटल हमने आई थिंक 20 या कुछ ऊपर ही किल्स किए हैं टोटल मिला के एबीएस और मेरे। तो ये जो गेम प्ले है ये दोनों का स्पेशल है, मतलब अगर तुमने उसका पीओवी नहीं देखा है तो मेरे गेम प्ले के बाद में उसका जरूर देखना, अगर उसका पीओवी देख लिया तो अब बाद में मेरा भी देखो, क्योंकि ये प्रॉपर टीम वर्क वाला मैच है। हर एक डुओ में एक एक क्लियरली हमने उठाया, इतने डुओ मारे बहुत इंटेंस है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा गेम प्ले शुरू करते हैं। सो है अब कभी BGMI Conquerors तो लेके आ चुके हैं वापिस से BGMI में ट्रिपल कॉन्कर का एक और बहुत प्यारा रैंक पुशिंग गेम प्ले वीडियो, जिसके अंदर आज एक ही गेम प्ले रहने वाला है, मगर ये गेम प्ले इतना वर्थ होगा तुम्हें देख के बहुत मजा आएगा। इस गेम प्ले में बहुत सस्पेंस है। देखो जैसे हम लोग आए थे यहाँ पे कामेश की पे, एवीएस को यहाँ पे बहुत खतरनाक सरप्राइज मिलने वाला है। एवीएस जाता है ऑफलाइन होके आगे वाली साइड पे एंड यहाँ देखो क्या होता है। एबीएस को स्टार्टिंग में जो ये कवर दिया है, अगर ये इतना सभी अच्छा लगा है तो आपको पता ही है करना क्या है, जल्दी से हमारी स्पेयर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी एबीएस के साथ में बहुत कुछ होने वाला है और अपन एबीएस को बहुत खतरनाक लेवल पे बचाएंगे। देखो उसका एक बंदा हमने टेक डाउन किया मगर एक अब भी बचा हुआ है और ये बंदा कुछ ही देर में अपना रूप दिखाने वाला है जो की है कैंपर। ये सीन देखने के बाद में तुम्हारे मन में आएगा मेरे जैसा टीममेट भगवान सबको दे, एवीएस यहाँ पे नियरली मरने ही वाला था, रोड के सेंटर पे नोक हो रखा है और बंदे ने पिन किया हुआ है। ऐसे केस में भी देखो इसे कैसे बचाते हैं। नीड कर दिया गया, बचा सकता है क्या? स्मोक नहीं मारेगा। आजा 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 अभी आप लोगों ने जो आवाज सुनी ये किस जानवर की आवाज थी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सही जवाब देने वाले को मैं इंस्टा पे गिफ्ट दूंगा। गाड़ी एक सेकंड, मैं तो गरीब हूँ मैं क्या दूंगा। अच्छा वो गिफ्ट वाला प्लान कैंसिल, मैं कमेंट को हार्ट दूंगा। बाकी दोस्तों अभी के लिए गेम में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमने एक गाड़ी का रेनो और एक गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया था। इस बंदे को हम बहुत दूर से भगा के लाते हैं। Damn bro, where are you going man? Please stop. पड़ी रुकेंगे। दे। देखो यार दोनों ही बंदे नियरली 1-1 एचपी थे, दोनों को बहुत ब्रूटल लेवल पे डैमेज दिया था। सिंपली से जाके अपने को एक एक नेड करना था। सबसे पहले मैं एक मोली थ्रो करता हूँ जिसका इससे ज्यादा फायदा नहीं होता है, हालांकि लेफ्ट से शॉट आ रहे थे मगर तब भी किल तो उठाना जरूरी है। हील मार रहे, दो नेट्स के साथ में इन बंदों को टेक डाउन किया एंड तभी साथ के साथ हम पे इसी कंपाउंड पे बैक टू बैक स्लैम्स होने वाले हैं। नीचे वाले बंदों के पास में भी शॉटगन्स थी। ये बंदे बहुत नेट्स का अटेम्प्ट लेते हैं, ऐसे किसी नेट का फायदा नहीं होता। अब ये बंदे यहाँ पे 200 IQ लगाते हैं। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे हम पे बैक टू बैक स्लैम्स होते हैं। सही में हमने हर एक डुओ को इतने गलत लेवल पे तोड़ा और अगर तुमने ध्यान दिया हो तो मैक्सिमम डुओस में हम यहाँ पे एक ही किले बटोरते हैं। यहाँ पे देखो क्या सीन था, हमने हमारे कंपाउंड पे आने वाले तो सभी बंदे मार दिए थे। अब यार बैक साइड में पैदल पैदल कुछ बंदे आते हैं जिनमें से एक को तो एबीएस ठेल देता है। चल रे बच्ची। दूसरे बंदे को मैं यहाँ पे टेक डाउन कर लेता हूँ। बाकी तो गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी स्पेयर से चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत गलत बात है। मेक श्योर आप हमारी स्पेयर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो, आपको कॉन्कर रिलेटेड बहुत प्यारा कंटेंट देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी हम लाइव स्ट्रीम भी करेंगे।
अभी ये कहाँ जा रहा है? सबसे लोग कहाँ पे? और अब तक भी हम पे इस कंपाउंड पे स्प्रेज आ ही रहे थे। ये बंदे आउट ऑफ जोन है, ये नहीं हम पहले जोन में निकल ले, नहीं हम तो स्प्रे देंगे, तो अब तुम भी स्प्रे खाओ। अबे हर में हर एक डुओ में एक एक किल निकालना जरूरी है क्या? एबीएस भी यार यही बात बोलते हैं कि हम हर एक डुओ में एक एक किल निकालते जा रहे हैं, एंड अभी तो ये चीज बहुत ज्यादा कंटिन्यू होने वाली है। देखो यहाँ पे जैसे ही हम आगे पहुंचते हैं, राइट में बग्गी, चल आ जा। देखो मैंने यहाँ पे बग्गी वाले बंदे पे स्प्रे प्रैक्टिस के लिए दिया, एमओ की कमी अपने पास में है नहीं तो स्प्रे का अटेम्प्ट ले लेते हैं। ले ले ले। ये भाई थोड़ा यहाँ पे रन थ्रू ही जा रहे थे, पूरा राइट से पूरा लेफ्ट पता नहीं कहाँ जाने की कोशिश थी। ये भी इसी कोशिश में टेक डाउन हो जाते हैं, और अब बारी थी एक और डुओ से फाइट की, ये बहुत सरप्राइज होने वाला है। देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, मैंने उस बंदे के हेड पे एक गोली मारी थी, मेरी शॉटगन में भी एक एमो कम है। आवाज भी तो नहीं आई मेरे को, तो भाई तेरी तो गोली भी नहीं चली मेरे में तो। ये है बीजीएमआई के सर्वर के सस्ते नशे, ऐसे ही डीसिंग भी क्रिएट होता है। अगर तुम्हारी बुलेट्स रजिस्टर नहीं होती तो वो तुम्हारे डिवाइस का इशू नहीं है, वो बीजीएमआई का ही इशू है। ये मेरे साथ में बहुत कॉमन चीज है कि मेरे शॉट्स रजिस्टर नहीं होते, मेरे गन से एमो छला होता है और डेथ रिप्ले में सामने वाले पे जीरो डैमेज होता है। अगर तुम लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा ये कितना कॉमन इशू है मेरे साथ में। मेरे M4 के बुलेट्स रजिस्टर नहीं होते, पूरे पूरे स्प्रेज ही कोई मार्कर नहीं आता है, और शॉटगन्स में तो ये बहुत आम बात है। ये क्या भाई क्रिश क्या खेल रही है? Appreciated, appreciated. ये जो यहाँ पे डुओ टेकडाउन होता है, इसका बड़ा क्यूट सा रिएक्शन आता है यहाँ पे कि ये बंदे क्या खेल रहे हैं यहाँ पे। सही में यार ये तो भाई बड़े क्यूट से ही थे। अभी के लिए देखो एबीएस की गलती, फुल चोड़ में ऊपर जा रहा है, ये नहीं कि पहले कंपाउंड तो चेक कर लूं और इसकी इसको पनिशमेंट भी मिलेगी। शुक्र है इस बंदे ने पहले एबीएस पे स्प्रे दिया, इसी वजह से मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ। दूसरी भाषा में अभी के लिए यहाँ पे देखो, मेरे पे यहाँ पे बहुत खतरनाक स्प्रे आता है। मुझे लग ही रहा था एक बंदा लेफ्ट पे हो सकता है, मैंने काफी चेक भी किया था, मगर उसके बावजूद भी ये भाई स्पॉट नहीं होते, काफी खतरनाक एग्जाम पे। अभी के लिए यहाँ पे हम डिसाइड करते पुश करने का, और देखो मैं खुद को कैसे बेटी बनाने वाला हूँ। बेट बनने के चक्कर में ही कुछ ज्यादा ही रिस्की हो गया था, यहाँ पे चिकन भी हमारे हाथ से जा सकता था। तो गाइस ये था अपने आज की वीडियो के लिए, आई होप आप लोगों ने वीडियो को इतना सा भी एंजॉय किया। अगर आपने वीडियो कुछ भी एंजॉय किया तो मेक श्योर आप हमारे इस प्यार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो, एंड इंस्टा पे फॉलो कर लो यार, तुम लोग कर ही नहीं रहे यार इंस्टा पे फॉलो यार, अब तुम लोग यार मैं नाराज हूं, मैं छोड़ो। अच्छा छोड़ो, तुम्हारी बंदी भी कहा है, तुम्हें का मनाना आता होगा। खैर मेक श्योर तुम लोग इंस्टा पे जरूर से फॉलो करो। अब मिलते हैं कल एक और बहुत प्यारी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ रियली गुड डे टुमारो, टेक केयर एंड बाय बाय बाय।